गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमरेश कुमार सिंह, सिविक्स क्लास 7 चैप्टर 2 हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया के पार्ट 2 में आपको पब्लिक हेल्थ सर्विस यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो गवर्नमेंट लेवल पे होती है उसके बारे में पढ़ना। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया, यानी सार्वजनिक सेवाएं भारत में हेल्थ की दृष्टि से स्वास्थ्य की देखभाल की स्वास्थ्य के लिए बैकबोन का काम करती है, यानी स्वास्थ्य के लिए ये रीढ़ है। आर ए स्टडिंग ऑफ डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जितने सारे डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका मुख्य जो है पर्पस, देयर पर्पस इज नॉट प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट। उनका उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्वक यानी सही ढंग से स्वास्थ्य की देखभाल ही नहीं करना बल्कि मुफ्त यानी फ्री एंड लो रेट यानी कम सस्ते में लोगों का ट्रीटमेंट करना, कम पैसे में कम लागत में अच्छे ट्रीटमेंट करना, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। एट द विलेज लेवल यानी ग्रामीण स्तर पे वी हैव ए स्मॉल हेल्थ सेंटर विथ ए ट्रेंड नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर। ग्रामीण स्तर पे हमारे यहाँ विल यानी अच्छे ट्रेंड नर्स और कुछ विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, जिसको हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC कहते हैं। द डॉक्टर्स एट PHC नॉर्मली ओवरसी द वर्क ऑफ मैनी विलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं और जिनमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, फैसिलिटी ऑफ द टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट एंड वॉच ओवर द फंक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर, जो जिनमें टेस्टिंग के फैसिलिटी होते हैं, जांच के वेल ट्रीटमेंट होते हैं और सारे हेल्थ सेंटर के जितने सारे फैसिलिटी होते हैं वो सारे वहाँ उपलब्ध होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल्स होते हैं। बीसाइड पब्लिक हेल्थ सर्विस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डिजीज लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, जॉन्डिस। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होता है वो जैसे जॉन्डिस हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, जैसे रोगों के लिए लोगों को जागरूक करता है, यानी वो लोगों को इसके से सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए लोगों को जागरूक करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग प्रत्येक संडे को आप लोग एक पोलियो डेज के रूप में, अगेन एज पोलियो डे ऑन विच चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5, यानी 5 साल से कम बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जाती है प्रत्येक संडे को, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है जिसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को जागरूक करती है। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइम ऑबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू नॉट ओनली इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल बट ऑल्सो गिव एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में के अनुसार गवर्नमेंट का ये मुख्य दायित्व है कि वह न केवल लोगों की भलाई सुनिश्चित करे बल्कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध करा। यानी गवर्नमेंट का ये रूल है कि वो मेरी भलाई ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी भी देखभाल करने के उसका क्या उत्तरदायित्व बनता है। राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन यानी प्रत्येक व्यक्तियों के, जितने लोग हैं उनके, प्रत्येक नागरिक के जीवन के अधिकार को संरक्षित करना, उन्हें उचित हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये गवर्नमेंट का वर्क है, गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ सर्विस यानी जोर जिसको हम लोग निजी क्लिनिक कहते हैं, निजी हॉस्पिटल्स कहते हैं। बिसाइड द पब्लिक हेल्थ सर्विस इन अर्बन एरिया देयर आर द न्यूमरस प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम एट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा शहरी क्षेत्रों में बहुत से निजी क्लिनिक हैं, शहरी क्षेत्रों में
बहुत से निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल, नर्सिंग होम, जो विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। These many large corporations run hospital laboratories and even undertake research and development in the field of medicine. यानी बहुत बड़े बड़े पैमानों पे यानी बड़े स्तरों पे hospitals, laboratories develop किए हुए in the field of medicine, दवा के क्षेत्र में भी बहुत से विकास हुए हैं private health service के द्वारा। Even private medicine shop are parts of the system. प्राइवेट मेडिसिन जो शॉप हैं इसी के अंग आते हैं। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सिस्टम दे आर एक्सपेंसिव एंड नॉट विथ इन एवरी वन रिच। वैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस जो यानी निजी स्वास्थ्य केंद्र जो हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं यानी खर्चीले होते हैं, जिससे प्रत्येक कोई यानी प्रत्येक व्यक्ति उसके पहुँच से वो जो होते हैं वो बाहर होते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, द लास्ट फी dictates we have seen remarkable growth the private health service especially in urban area. यानी कुछ दशकों में हमारे यहाँ जो private health service है, निजी सेवाएं हैं, उनमें बहुत ही वृद्धि हुई है, खासकर urban area यानी शहरी क्षेत्रों में। as the prime object of earn profit the cost of service is very high and it make इट आउट ऑफ बाउंड फॉर द कॉमन पीपल। उनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट यानी लाभ कमाना होता है। सेवाओं की लागत जो है उनकी बहुत अधिक है और इसे जो है आम लोग यानी कॉमन पीपल जो होते हैं उनकी पहुंच, उनकी सीमा से ये बाहर होती हैं। प्राइवेट हेल्थ सर्विस की जो फैसिलिटी होती है उनकी फैसिलिटी बहुत हाई क्वालिटी की होती है, जिसके कारण उनका जो रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है। उनकी मेडिसिन जो होती हैं वो कॉस्टली होती हैं, ठीक ना, यानी कॉमन व्यक्ति के पहुंच से बाहर होता है। इन फैक्ट ओनली वेरी लिमिट सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन अफोर्ड मेडिसिन दैट वन रिक्वायर ड्यूरिंग इलनेस। यानी वास्तव में सोसाइटी के यानी समाज के बहुत कम ही वर्ग के लोग इनके खर्च को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। फॉर द पुअर इट इज द मेजर केस ऑफ वरी एंड एग्विंस। दिस इज बिकॉज ड्यू टू प्रोवर्टी दे आर मोनोलॉस्ट टू नॉट हैव एक्सेस टू द बेस एलिमेंट्स विच इज द गुड फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक इन्वायरमेंट एंड शो दे हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीलिंग सिक मोर ऑफ्टन। यानी जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक ये चिंता और कष्ट पीड़ा का जो है मेन जो है फैक्ट है, मेन जो है रीजन है, जिसके कारण यहाँ के जो पुअर फैमिली हैं, गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, वो क्या है, कुपोषित हैं। उनके पास बेसिकली यानी बुनियादी तौर पे सही ढंग से उनके पास अच्छे भोजन नहीं है, साफ पानी नहीं मिलता है, जिसके कारण अच्छे भोजन, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिलने के कारण उनके लिए बीमार रहने की अधिक संभावनाएं होती हैं, और बीमार होने पे उनकी जो लागत होती है वो उनका जो एक्सपेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उनकी स्थिति जो है वो खराब हो जाती है, उनकी कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, खराब हो जाती है। द गवर्नमेंट हैज टेकन सम इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इट्स सिटीजन। Find out the main features of National Rural Health Mission. यानी गवर्नमेंट ने नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ पहल के, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसको NHRM कहते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल वोमेन हेल्थ कंडीशन ड्यू टू निगलेक्ट इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। यानी भारत के बहुत से हिस्सों में महिलाओं के स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाती है, ठीक ना। दे डू नॉट गेट प्रमोट मेडिकल अटेंशन इन ट्रेवल बेल्ट्स, देयर आर फी हेल्थ सेंटर एंड दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वो भी ठीक ढंग से वर्क नहीं करता है, क्योंकि लोगों के जो मेंटल होते हैं,
there is a need to change the mindset of the people too. In rural area, people still feel more comfortable in visit village doctors rather than qualified medicine practitioner. Yani ग्रामीण स्तर के लोग अभी भी जो है वो वेल यानी योग्य चिकित्सक के बजाय जो ग्रामीण स्तरों पे जो डॉक्टर हैं उनके पास जाना वो सहज महसूस करते हैं, यानी जो लोकल डॉक्टर हैं उनसे अपना ट्रीटमेंट कराना वो सहज, वो अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं। हेल्थ ट्यू इज क्विट अपार्ट फ्रॉम द अबव डिस्कस द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री नीड्स वी इम्प्रूव फॉर दैट गवर्नमेंट हैज टू प्ले ए प्रोएक्टिव रोल ऑफ प्रोवाइड एसेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हाउएवर मेंशन अर्लियर हेल्थ इज द ऑल्सो डिपेंड अपन हाइजीन सराउंडिंग पॉपुलेशन फ्री एनवायरमेंट एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यानी गवर्नमेंट जो है हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति में गवर्नमेंट की नज़र में हमें मतलब गवर्नमेंट जितनी सारी फैसिलिटी दें उसके बावजूद हमारे देश में अभी भी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार की ज़रूरत है। उसके लिए सरकार को जितने एरिया शहर से दूर हैं उनके उनके यहाँ अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है। यानी जो ग्रामीण स्तर पर जितने लोग शहर से दूर हैं उनके लिए वेल ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, उनके यहाँ अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करना जरूरी है। इसके लिए उन्हें अच्छी अच्छे रोल जो है वो निभाना पड़ेगा। जैसे कि पहले बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे आसपास, यानी गुड हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो, साफ़ हो। उसके अलावा हम जो पानी पी रहे हैं वो भी क्लीन हो, यानी हमें स्वच्छ पेयजल, हमारा इन्वायरमेंट अगर क्लीन है, हमारे आसपास की एरिया क्लीन है, तो हमें जो कुछ प्रमुख डिजीज हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, अगर हम अच्छे पानी पी सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, हमारे आसपास के व्यक्ति अच्छे हैं, तो हमें हम डिजीज से दूर रह सकते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट अगले पार्ट में।